हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी इन इटली सीरीज़। और इस सीरीज़ में मैं बात करता हूँ जो टॉप इटालियन यूनिवर्सिटीज़ हैं रीजन वाइज। तो आज इससे पहले मैंने कवर किया है लंबार्दी रीजन, जिसमें यूनिवर्सिटी ऑफ मिलान है। उससे पहले मैंने कवर किया था सिसिली रीजन, जिसमें कटानिया मेसिना यूनिवर्सिटी थी। और जो सबसे फर्स्ट था वो था लाजियो रीजन, जिसमें यूनिवर्सिटी ऑफ रोम थी, रोमा त्रे थी। और आज मैं कवर करूंगा इमालिया रोमानिया रीजन। इस रीजन की जो फेमस यूनिवर्सिटी है वो ऑफकोर्स यूनिवर्सिटी ऑफ बोलोनिया है, कैपिटल भी है इस स्टेट का। तो चलिए शुरू करते हैं इमालिया रोमानिया रीजन का। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो तीन मेन जो फेमस यूनिवर्सिटी हैं, वो पहली है यूनिवर्सिटी ऑफ बोलोनिया, जो सेकंड पे आती है वो है मोदना बोलते हैं उनको, और जो तीसरी है वो है यूनिवर्सिटी ऑफ पार्मा। तो ये तीन यूनिवर्सिटीज़ हैं, इसमें आप बैचलर्स के कोर्स अवेलेबल हैं, इसमें मास्टर्स के कोर्स अवेलेबल हैं, पीएचडी अवेलेबल है, रिसर्च के भी प्रोजेक्ट्स अवेलेबल हैं। डिपेंड करता है आप कैसे रिसर्च करना चाहते हो। तो बात करते हैं मास्टर्स की। अगर आपको कोर्सेज के बारे में जानकारी चाहिए तो ये इसकी वेबसाइट है, आप इस वेबसाइट पे जा सकते हैं और यहाँ पे मास्टर्स और बैचलर्स के कोर्स सेलेक्ट कर सकते हैं। कुछ कोर्सेज इटालियन में हैं, कुछ बाईलिंगुअल में हैं, इटालियन और इंग्लिश में है, और कुछ जो है सिर्फ इंग्लिश में। अगर आपको पूरा एक ब्रीफ चाहिए तो आप यूनिवर्सिटाली की वेबसाइट पर जा सकते हो और वहाँ पर कोर्सेज सेलेक्ट कर सकते हो। इसमें एक अच्छा फीचर ये भी है कि आप मैप वाइज जा सकते हो और आप लंबार्दी, लाजियो, सिसली, इमालिया रोमानिया, हर रीजन की इंस्टीट्यूट और कोर्सेज सर्च कर सकते हो। इसमें कोर्सेज कौन कौन से अवेलेबल हैं, इसमें डेटा साइंस का अवेलेबल है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का है, इन्वायरमेंट से रिलेटेड कोर्सेज हैं, लैंग्वेजेस से रिलेटेड कोर्स हैं, अगर आपको रशियन पढ़नी है, इटालियन पढ़नी है, स्पेनिश पढ़नी है, सारे कोर्सेज अवेलेबल हैं। इसके बाद अगर आप बात करोगे तो इसमें मेकाट्रॉनिक्स के कोर्स अवेलेबल हैं, मैकेनिकल के अवेलेबल हैं, सिविल के अवेलेबल हैं। आज काफ़ी दिनों के बाद यहाँ पे धूप निकली है तो काफ़ी अच्छा लग रहा है यहाँ पे। इसके बाद अगर आप यहाँ पे एक जो लैंग्वेज को प्रेफरेंस देते हैं, इंटरनेशनल रिलेशन, कॉपरेशन, इकोनॉमिक्स, इन सब पे भी बहुत ज़्यादा वैल्यू देते हैं, तो ये कोर्सेज भी यहाँ पे काफ़ी सारे फेमस हैं और बहुत सारे लोग करते हैं। इसके साथ हिमालय रोमानिया जो रीज़न है वो फेमस इसलिए है F1 कार्स के लिए, F1 कार्स के मैनेजमेंट के लिए। तो यहाँ पे एक बीच स्कूल भी है, अगर आपको प्राइवेट इंस्टीट्यूट में जाना है तो आप ये वेबसाइट चेक कर सकते हो इस इंस्टीट्यूट की। यहाँ पे F1 कार मैनेजमेंट और जो मोटो GP की रेसेस होती हैं उनके मैनेजमेंट से लेके कोर्सेज अवेलेबल रहते हैं। अब बात करते हैं कि यहाँ की फ़ीस कितनी है। तो फीस ऑफकोर्स हम लोग इंडियंस हैं तो हमारे में ईजे वैल्यू चलता है, तो उसके बेसिस पे आपकी रीजनल स्कॉलरशिप लग जाती है और आपका जो फीस होती है वो 156 यूरोस पर एनम हो जाती है। और फिर साहब जब आप सेकेंड ईयर में जाओगे तो ये जो आपकी नीड बेस्ड स्कॉलरशिप थी ये मेरिट बेस्ड बन जाती है, और फिर आपको जो इनरोलमेंट फीस पे करनी रहती है वो टैक्सेस के रूप में 156 ही पे करनी रहती है। तो ये तीनों यूनिवर्सिटीज़ हैं, मैं एक बारी आपको दिखा देता हूँ बारी बारी कोर्सेज हैं। अगर आप देखोगे इकोनॉमिक्स एंड मैनेजमेंट में इतने सारे कोर्सेज हैं, आप किसी में भी अप्लाई कर सकते हो। फिर अगर आप लॉ में आते हो तो ये लीगल स्टडीज़ है, पॉलिटिकल साइंस में इतने सारे कोर्सेज हैं, और फिर स्पोर्ट्स साइंस, सोशियोलॉजी के बारे में भी। ये यूनिवर्सिटी ऑफ पादुआ की वेबसाइट है, इसमें आप स्टडी इन इसमें जाओगे, स्टडी इन पादुआ, फिर कोर्सेज में जाओगे तो आपको सारे कोर्सेज, ये कोर्सेज जो इंग्लिश में है वो सारे हो जाएंगे। डिग्री प्रोग्राम्स में जाते हैं, डिग्री प्रोग्राम्स एक बार चेक कर लेते हैं। ये बैचलर्स डिग्री के हैं, बहुत सारे कोर्सेज हैं इसमें, मास्टर सिंगल साइकिल के, मास्टर डबल साइकिल के, स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग में, एरोस्पेस है, केमिकल है, केमिकल प्रोसेस इंजीनियरिंग है, कंप्यूटर इंजीनियरिंग है, कंट्रोल सिस्टम है, इस तरीके से। ये मोदना है, यूनिवर्सिटी ऑफ मोदना, इसमें भी बहुत सारे आपको आप मतलब कोर्सेज मिल जाएंगे, जिसमें सिंगल्स के लिए आ रहे हो तो बैचलर्स की मार्कशीट और ट्रांसक्रिप्ट, अगर ट्रांसक्रिप्ट नहीं है तो मार्कशीट को भी वो एज ए ट्रांसक्रिप्ट कंसीडर कर लेते हैं। इसके बाद बात आती है लेटर ऑफ रिकमेंडेशन की। लेटर ऑफ रिकमेंडेशन के बाद आपका स्टेटमेंट ऑफ पर्पस होना चाहिए, जिसको कुछ लोग मोटिवेशन लेटर भी बोलते हैं, कि आप इस कोर्स में क्यों आना चाह रहे हो, कैसे आना चाह रहे हो। या आप मैं साथ साथ इंटरफेस भी दिखा देता हूँ कि आपको कैसे अप्लाई करना है। जो रिकमेंडेशन लेटर होता है वो दो टाइप का होता है, एक तो आप जहाँ से आपने बनवाया है वहाँ पे आपको लेटर हेड पे लिख के दे देंगे, पर कुछ कुछ यूनिवर्सिटीज़ में क्या होता है कि आपको वो एक मेल करते हैं, मेल ट्रिगर होती है जिसका आप रिकमेंडेशन लेने जा रहे हो, और फिर वो मेल पे कुछ क्वेश्चंस के आंसर करता है, तो वैसा भी होता है। इसके साथ में अगर आपके पास IELTS या TOEFL है तो वो जमा कर सकते हो, अगर नहीं है तो फिर आप मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन सर्टिफिकेट दे सकते हो। मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन सर्टिफिकेट हर जगह चल जाता है, बट जो प्रीमियम इंस्टीट्यूट है उनमें आजकल मैंडेटरी कर रहे हैं TOEFL और IELTS, तो आप देख लो, अगर आपको देना है तो दे लो, वरना मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन सर्टिफिकेट के बेसिस पे भी आ सकते हो। कॉल्स की बात करें तो इनके कॉल्स नवंबर से स्टार्ट हो जाते हैं, तो आप अभी से अपना टाइमलाइन बना लीजिए कि अभी आपको डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करने हैं, मोटिवेशन लेटर लिखना है, आपको फिगर आउट करना है कि किसका आप रिकमेंडेशन लेटर लेंगे, और जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपको प्रिपेयर करने रहेंगे। फिर जब आप इनका एप्लीकेशन कर दोगे, मिनिमम सी फीस रहती है वो आप पे कर दोगे, तो
उसके कुछ दिनों के बाद रिजल्ट पब्लिश होता है। अगर आपका एक्सेप्टेंस लेटर आ गया है तो फिर आप री इनरोलमेंट करते हो और साथ ही साथ अपने डॉक्यूमेंट्स फर्दर वीज़ा और DOV और ट्रांसलेशन के लिए प्रिपेयर करना शुरू कर देते हो। तो खैर ये तो जो बातें हैं वो बाद में किसी और वीडियो में बताएंगे, बट अभी के लिए ये यूनिवर्सिटी के बारे में इतना ही। अब बात करते हैं स्कॉलरशिप की। तो इस रीज़न की जो स्कॉलरशिप है उसको इर्गो स्कॉलरशिप बोलते हैं, ER.GO। इसमें आपको 7200 बार उड़ रहा है, हवा बहुत तेज़ चल रही है। तो इसमें क्या होता है कि आपको 7200 पर एनम तक की स्कॉलरशिप मिलती है अगर आपने अपना फैमिली इनकम सर्टिफिकेट दिखाया है या आपने अपना एज ए वैल्यू बनवाया है। एज ए वैल्यू के लिए क्या होता है कि आपको इंडिया में सबसे पहले आपको फैमिली इनकम सर्टिफिकेट बनवाना होता है। फैमिली इनकम सर्टिफिकेट क्या होता है कि आपको तहसील में जाना रहता है, वहाँ पे अपना फैमिली इनकम सर्टिफिकेट बनवाना रहता है, फिर उसको लीगलाइज कराना रहता है। लीगलाइज इन द सेंस कि उसको अपस्टाइल कराना रहता है। फिर आप जब यहाँ पे आओगे तो कैफ ऑफिस में सर्टिफिकेट जमा करने रहते हैं, फिर उस बेसिस पे आपको वो एज ए वैल्यू डिसाइड करेंगे। फिर एक लिस्ट बनती है सारे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स की और इटालियंस की, जिसमें एक रैंकिंग आती है कि अच्छा आपकी ईज ए वैल्यू के बेसिस पे आपको ये रैंक मिली है। फिर उस बेसिस पे आपको जो स्कॉलरशिप की मनी होगी वो डिसाइड होगी। तो जनरली स्टूडेंट्स को, इंडियंस को 7200 तक मिली जाती है। साथ में अगर अदर बेनिफिट्स की बात करें तो अकोमोडेशन थोड़ा चीप रेट पे मिलता है, सब्सिडी मिलती है। इसके बाद मेंसा कार्ड की बात करें तो आपको फूड के लिए कहीं कहीं कूपन्स मिलते हैं। कुछ यूनिवर्सिटीज़ में आपको 5 यूरो का कूपन मिल जाता है, कहीं पर सीधे खाना मिल जाता है, और कूपन वो होता है वो एक ही दिन चलता है, तो आपको उस दिन खाना ही पड़ेगा। तो ये हो गई स्कॉलरशिप की बात। तो अभी इस वीडियो में मैंने कवर कर लिया है कि यूनिवर्सिटीज़ कौन कौन सी हैं, क्या एप्लीकेशन प्रोसेस रहता है, कितनी फ़ीस, कैसे अप्लाई किया जाता है, कब इसका रिजल्ट आता है, और साथ ही साथ स्कॉलरशिप कौन कौन सी अवेलेबल हैं, कैसे आप अप्लाई कर सकते हो। ये हो गई इस यूनिवर्सिटी की बात। अब बात करते हैं कि अगर आपको खुद अप्लाई करना चाहिए, कंसल्टेंट की हेल्प लेनी चाहिए। तो अगर आप कैपेबल हो, आपके पास टाइम है, तो आप खुद अप्लाई करो, कंसल्टेंट के चक्कर में मत करो। पिछला वीडियो मैंने एक स्कैमर के ऊपर बनाया था, बहुत ज़्यादा ट्रिगर हो गया है, तो ऐसे एक स्कैमर से बच के रहो। मैं फिर दिखा देता हूँ थंबनेल, ऐसे स्कैमर से बच के रहो, अपने आप अप्लाई करो, बेटर है। अगर आपको कोई हेल्प चाहिए, अर्जेंट नीड है, तो आप मेरे को टॉप मेट पे मेरी हेल्प ले सकते हो, बट मैं कहूँगा कि आप अपने आप करना सीखो, बहुत आसान है, इतना मुश्किल नहीं है। बट फिर भी मैं टॉप मेट की लिंक डाल देता हूँ, अगर आपको कोई हेल्प चाहिए, कंसल्टेंट आपको कोई हेल्प चाहिए तो आप मेरे को ऐसा बुक कर सकते हो यहाँ से और हेल्प ले सकते हो। वरना मैं व्हाट्सएप ग्रुप्स पे भी एक्टिव हूँ, वहाँ पे भी मैं जवाब दे देता हूँ अगर मुझे कोई टाइम मिलता है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और कवर करेंगे एक और रीजन। बाय बाय।